मुझे भी देखना है कि आप इन चित्ताओं की तकदीर कैसे लिखते हैं। गुड, वेरी गुड। सिंह साहब। सरकार। प्रक्रिया शुरू करिए। आज हवेली का भविष्य भी देखेगा कि इन चित्ताओं का भविष्य कैसे लिखा जाता है। जी सर। आकाश, ये सब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, चलो। रुको, ठीक है, कोई मेमने की औलाद है, हैं? बब्बर शेर की औलाद है ये। अरे पहली बार तो ये कोई मर्दानगी की चीज देखना चाह रहा है, देखने दो इसे। रुक जा बेटा। ए दुर्जन, लेके आ बच्चे को। ले लेते हैं इसके हाथ का छापा और इसके माथे पर लिख देते हैं जन्मजात अपराधी। रुक जाइए सरकार। ये इंकलाबों को लब पे सजाए चट्टान बनकर ये आगे खड़ी है, आई है जागृति। चुप, तू यहाँ क्या कर रही है? अपराध होने से रोकने आए हैं दादा। ये जग्गू, दिमाग खराब हो गया का? यहाँ कौन अपराध करेगा? काका, बिना अपराध के किसी को अपराधी कहना भी तो अपराध होता है ना। सरकार, दादा कहते हैं आप हमारे भाग्य विधाता है। जैसे राम जी पूरी दुनिया की तकदीर लिखते हैं, वैसे आप हमारी तकदीर लिखते हैं। ये चुटका बाबू तो अभी दुनिया में आया है, इसने कौन सा अपराध किया है जो आप इसका अपराधी वाला बुरा तकदीर लिख रहे हैं? राम जी तो सबका अच्छा तकदीर लिखते है ना, फिर जो बुरा तकदीर लिखे वो भाग्य विधाता कैसे? सरकार, सरकार माफी, माफी सरकार, माफी, माफी सरकार, नादान है, दुस्साहसी है, माफ कर दीजिए सरकार। यगू, ये माफी मांग, नीचे झुक और सरकार को सलाम कर। ए झुक नीचे, झुकेगी सरकार, झुकेगी। ज्यादा बुद्धि घर दे जा। दुर्जन, चिरई जब ज्यादा पंख फड़फड़ाने लगे ना, तो उसका पंख कतरने से ज्यादा हमें उसकी गर्दन मरोड़ने में मजा आता है।